रेवाड़ी भिवानी रेल मार्ग पर आज कोसली स्टेशन के नजदीक उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब 4 सांड व 2 गायें रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे। रेवाड़ी की तरफ से तेज गति से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से ये हादसा हुआ। घटना की जानकारी रेलवे पुलिस व अधिकारियों को मिलते ही वह सब मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों व पुलिस ने रेलवे ट्रैक से मृत बैलों को हटाकर ट्रैक सुचारू करवाते हुए सभी मृत बैलों को भारतीय संस्कृति के अनुसार दफना दिया। इस विषय में स्टेशन मास्टर सुरेश का कहना है कि रेलवे लाइनों के पास के दुकानदार व सब्जी विक्रेता रेलवे परिसर में लाइनों के साथ में गली सड़ी सब्जी व कूड़ा कचरा डाल देते हैं, जिसकी वजह से पशु यहां आ जाते हैं और रेलवे लाइन पर काफ़ी बार इस प्रकार के हादसे हो चुके हैं। उनका कहना है कि रेलवे परिसर में इस तरह से गंदगी डालने के लिए कई बार मना किया जा चुका है। रेलवे पुलिस ने सख्ती भी बरती, बावजूद इसके लोग रात में मौका मिलते ही गंदगी व बड़ी गली सड़ी सब्जी यहाँ डाल देते हैं। उनका कहना है इसके लिए रेलवे विभाग के आला अधिकारियों को लिखा गया है और जल्द ही रेलवे परिसर में गंदगी डालने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैसे क्या हादसा हो गया गांवों के साथ? ये जी देखो, यहाँ पर कल शाम को 6 अंकल एक साथ कट गए। इधर उधर ये दुकानदार वगैरह है, ये जी कूड़ा कचरा निकाल कर बची हुई गड़ी हुई सब्जी इधर लाइनों के नज़दीक डाल जाते हैं। देखो कितना कूड़ा और कचरा है जी, इस वजह से ये पशु हैं जी, इनको पता नहीं है, ये आकर यहाँ पर बाउंड्री में इधर उधर चरने लग जाते हैं और लाइनों के ऊपर आ जाते हैं और जी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कितने दुर्घटना होगी, गाय है क्या आपकी? नहीं है गाय जी, गाय भी हैं और अक्कल भी है। अभी 10 दिन पहले जी 4 अक्कल तो हमने खुद मानने यहाँ से उठाकर जेसीबी से मान दबवाए और आज इसका समाधान होना चाहिए। कुछ ना कुछ लाइन पे कोई रोकथाम होनी चाहिए। बहुत भारी नुकसान है जानवरों का, बेचारों का, कोई देखभाल नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है रेलवे की तरफ से भी। कौन सी ट्रेन से, सवारी गाड़ी से मालगाड़ी? मालगाड़ी से है, सवारी गाड़ी तो बंद है काफ़ी दिन से। मालगाड़ियों से आए दिन आए दिन हादसा होता रहता है। हाँ लगभग डेली हो जाता है ये दो चार तो। हाँ अभी देखो सभी कटे पड़े हैं बेचारे, चलो फिर ये तो अभी डॉक्टर वगैरह फोन किया, कोई आई कोई गौशाला वगैरह भी खुली है यहाँ, बताते हैं गौशाला खोल रखी है, कोई सुध लेने वाला नहीं का, नाम मात्र की गौशाला खोल देंगे, बस कुछ नहीं है यहाँ पर। वो देखो थोड़ा उसकी तरफ देखो, इधर उठ रहा है, वो उठने की कोशिश कर रहा है ये जानवर।